कटक लायन्स क्लब 49 वर्ष अतिक्रम कर 50 वर्ष रे पाद थापिछि। एही 50 वर्षर स्वर्णिम अध्याय को महासमारोह रे पालन करबा अवसर रे लिंक रोड स्थित निशामणि कन्वेंशन हॉल ठारे सभापति लायन्स सत्यनारायण अग्रवाल को सभापतित्व रे सुवर्ण जयंती स्थापनार एक प्रस्तुति कार्यक्रम अनुष्ठित होई जायछि। एही कार्यक्रम रे पुण्यर स्थापना कमिटी रो अध्यक्ष लायन द्वारका प्रसाद जालाना मुख्य अतिथि भाव जोगदे कटक रे लायन्स क्लब रो कर्मकर्ता द्वारा चली स्वास्थ्य शिविर रक्तदान शिविर मेलविन जोन लायन्स चक्षु चिकित्सालय एवं नुआ बजार स्थित गोशाला अंध भिन्नक्षम गाई मान लालन पालन को नहीं खूब प्रशंसा करने सह क्लब्र विभिन्न लोकाभिमुखी कार्यक्रम विषय मतव्यक्त करते एस तो क्लब्र 50 वर्ष पूर्ति को नहीं उत्सवटी कि महासमारोह पालन होने कर्मकर्ता मैंने आलोचना करते किसी भी क्लब का 50 साल तक चलना ये अपने आप में एक अहमियत है, क्योंकि संस्थाएं खुलती तो हैं लेकिन चलती नहीं हैं, और इसके पीछे एक डेडिकेशन होती है, एक टीम होती है, एक लगन होती है, एक निष्ठा होती है। और लायंस क्लब ऑफ कटक का जो कार्य मैंने देखा आई हॉस्पिटल के ज़रिए जो कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और वही है जो उसी और उसी के कारण किसी भी संस्था का 50 सालों तक चलना संभव हो सकता है। और लायंस क्लब में मेरा हरदम ये कहना है कि अगर आपके पास सेवा के ऐसे मंदिर हैं तो आप 50-100 सालों तक चलेंगे। हमारी संस्था वैसे भी 108 सालों की हो गई और इस क्लब का 50 साल तक चलना ये अपने आप में एक गौरवशाली चीज़ है। और मैं पुणे से इसके लिए आया हूँ कि ये 50 साल का क्लब है और ये मुझे देखना था कि 50 सालों तक कितने डेडिकेटेड मेंबर्स हैं, किस तरीके से वो सेवा कार्य करते हैं, ये देखने के लिए मैं आया। और मैं आज इत्यादि खुश हुआ कि जो मैंने आके यहाँ पे इनके सेवा का मंदिर देखा, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं काबिल तारीफ है। उड़ीसा कैसा लगा? उड़ीसा बहुत अच्छा है, बहुत नम्र लोग हैं, बहुत सीधे सरल लोग हैं। एंड आई रियली एंजॉय सीन दैट महानदी एंड द अदर वन। और मैं आज यहाँ का वो 950 गायों का जो गौशाला है वो देख के भी अभिभूत हुआ कि किस तरीके से गायों का ध्यान रखा जाता है। उसमें कुछ अंधी हैं, कुछ पंगु हैं, लेकिन उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनके लिए और भी नई नई चीज़ें और ध्यान किया जा रहा है। ये काबिल तारीफ़ है, मैं अभिभूत हूँ किस चीज़ से। और जो कल मैंने इन्होंने कहा था छेनापुड़ा, आते टाइम जो मैंने देखे रसगुल्ले की दुकानें, मैंने मेरी ज़िंदगी में इतनी रसगुल्ले की दुकानें कभी नहीं देखी जो दोनों तरफ देखी। तब उन्होंने छेनापुड़ा की बात कही तो फिर वो मैंने आज मंगाया था कि भाई छेनापुड़ा होता क्या है। और जब मैं सुबह इनके हॉस्पिटल में था, आया हॉस्पिटल में, तब वहाँ पर इन्होंने छेनापुड़ा मुझे खिलाया और मैंने कहा ये तो मैं पुनः ले जाना चाहूँगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो 4 दिनों में ख़राब हो जाएगा, अभी मुझे जाना है राउरकेला रांची। तो फिर सत्यनारायण जी ने कहा कि हम आपको फ्लाइट से भिजवाएंगे। तो मेरे पुणे के लोगों को भी मैं खिलाना चाहता हूँ ये छेनापुड़ा की, क्या बहुत ही बढ़िया मिठाई है। 50 वर्ष आरंभ है, ये 50 वर्ष जो अच्छे गोटे वर्ष पूरा सोशल वर्क बहुत जोर सोर से हम जार जहाँ नीडी अच्छी ता मान सेवा करने गोटे प्रोजेक्ट बनाऊ, से प्रोजेक्ट हम प्लांटेसन प्रोजेक्ट हम मतलब आसंता ये वर्ष लायन्स क्लब बहुत किसी करने चाहूँगी और बहुत किसी करने मुझे मीडिया मध्यम कहूँ जो जरूरतमंद लोक अच्छे पर्यटन आम कथा पहुँचात आम साज्य कर सब आगे रहीबू। आँखिपाई आम आयु हॉस्पिटल अच्छी जो मैंने सक्षम नुहतु फ्री रे आम आयु हॉस्पिटल चिकित्सा करूचु और पाठ पढ़ापी भी आम सुजोग दौचु जहाँ प्रकार भी सुविधा जो मैंने चाहिए आपं मध्यम पर्यटन खबर पहुँचु और से मैंने उपकृत हूँ ये टाइम में आशा करुचु। धन्यवाद। लायन्स क्लब विजन बहुत किसी अच्छे फर्स्ट टाइम तो फेलोशिप आम सब भाईचारार कटक भाईचार शहर और ये सांगे मैच खाऊे आम सब भाईचारा को लेकिन आगे जावाप चाहूँ यहाँ हूँ विजन समय भल
कोऑर्डिनेशन इको फ्रेंडली हबा पई ही एटा हमर विजन लायंस क्लब ऑफ कटक सिंस 1974 वी आर सेलिब्रेटिंग आवर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ईयर दैट इज ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 कैसा लग रहा है आगे क्या सफर है कैसा रहेगा हम लोगों ने आज जो हमारी जो टीम है इट इज अ वेरी वंडरफुल वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी गुड टीम और हम लोगों को ये लग रहा है कि ड्यूरिंग दिस ईयर 2024-25 हम लोग एक नया इतिहास रखने की हम लोग चेष्टा कर रहे हैं और ये भी आपको जानकर ये होगी कि हमारी जो टीम है जो 6 चार्टर्ड मेंबर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सबकी उम्र 75 से ऊपर है चीफ गेस्ट भी आए बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा उन्होंने जो भी स्पीच दिया उनका कॉन्फिडेंस मोटिवेशन स्पीच इतना अच्छा था उनके कारण हम लोगों में नई ऊर्जा और नई उत्साह उन्होंने भर दिया है सर मेंबर के बारे में क्या बताएंगे क्लब का मेंबर के बारे में क्या बताएंगे क्लब के मेंबर्स है हमारे पास में हम लोग अदर देन द सीनियर मेंबर्स वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ यंग एंड एनर्जेटिक मेन एंड दे आर ऑल डूइंग एक्सीडिंगली वेल इन देयर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन जब ऐसे सब यंग मेंबर्स का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है सो यू कैन वर्क डू वंडर्स ओडिशा प्लस खबर ही।